और अनूपपुर की बात करेंगे जहां पर सैकड़ों की संख्या में बैगा जनजाति के लोग जन सुनवाई में पहुंचे। बैगा जनजाति की महिला ने सड़क पानी बिजली के लिए जिला पंचायत सीईओ के पास अपनी आवाज़ उठाई है और कहा कि हमारे पास सड़क नहीं है, हम पगडंडी के सहारे चलते हैं। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वीकृत किया गया था 2012-13 में, आज लगभग 10 साल से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें से बैगा जनजाति लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोटा है, कोटा से सामान ले जाते हैं, लाते हैं, उसमें वृद्ध जन आए हुए हैं, देखेंगे कैमरा घुमाइए थोड़ा, है ना, उसमें इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय के यहाँ इसकी समय। आप पंचायत के मुखिया होने के नाते क्या आपके बस की बात नहीं है वहाँ तक सड़क निर्माण करवाना? जंगल विभाग होने की वजह से हमारे कार्य क्षेत्र से, क्या आपने कभी जंगल विभाग से बात करने की कोशिश की? बात किए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डीपो साहब से मिलने की कोशिश की? अभी डीओ साहब के यहाँ भी हम विज्ञापन देने के लिए जाएंगे और क्षेत्रीय कार्यालय में भी जाएंगे। अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, सभी से संपर्क किया गया, वो क्या बोलते हैं? आज हम जनसुनवाई में खड़े हैं कलेक्टर कार्यालय में, जिला मुख्यालय पे, जहां पुष्पराजगढ़ से सैकड़ों ग्रामीण बैगा जनजाति के लोग आए हैं, जिन्हें आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रखा गया है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें सिर्फ छलावा कराया गया है इनके साथ में। आज कोई ग्रामीण पहुंचे हैं बैगा जनजाति की महिला, जिन्होंने जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ को साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझे मार्ग चाहिए, मैं उतनी दूर नहीं सफ़र कर सकती, न चढ़ सकती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे गांव में न बिजली है न पानी है, मूलभूत अभी तक कोसों दूर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, भद्दी भाई नाम है। भद्दी भाई, क्या समस्या है आपके गांव में? अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि आता है, सांसद आता है, विधायक आते हैं? कोई नहीं आता। जैसे कि मुखिया आते हैं, शिवराज सिंह आप लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ आपके लिए विकास की कुछ बातें करते हैं? कुछ नहीं बने। देखिए, जैसे कि महिला कह रही, बुजुर्ग है, काफी महिला है, उम्रदराज कह रही है कि आते तो है पर हमें ध्यान नहीं देते। न आज तक हमने सांसद का शकल देखा तो सिर्फ मजार में देखा है, अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा, न विधायक का शकल देखा। अब भी लग रही है सरकार के वादे, विपक्ष के वादे सारे खोखले नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज जिला मुख्यालय पे भद्दी भाई पहुंची है और जिला पंचायत सीईओ को साफ साफ कह दीजिए कि मुझे रोड चाहिए, अब मेरे बस का नहीं है कि मैं ऊपर तक चढ़ पाऊँ। और भी कुछ ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कैसा माहौल है, कैसे परिवेश में जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मरिया भाई, कैसा माहौल है आपके यहाँ का? और भी कुछ बुजुर्ग उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कैसा माहौल है आपके वहाँ? हमारे वहाँ मोहल्ला साहब वही है कि रास्ता बना है, रास्ता नहीं बना है, पहाड़े पहाड़, पत्थर पत्थर है। तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों से या अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? जी। क्या बोले? बोले तो अब रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए पर रोड बन नहीं रहा। नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि हम विकास के नजरिए से कोसों दूर हैं, सिर्फ खोखले वादे होते हैं, चाहे सरकार किसी की आए, हम आज तक मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, सत्ता किसी की भी हो पर अभी भी बैगा जनजाति लाखों कोस दूर है। कैमरा मैन के साथ ओमकार सिंह।